तो आज हम बनाएंगे कद्दू की मसाले वाली पूड़ी। उसके लिए सबसे पहले हम पका हुआ कद्दू लेंगे और इसको हम जो छिलके होते हैं और जो बीज होता है उसको मैंने निकाल करके अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। और इसको हम कद्दू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बारीक पेस्ट बना लूँगी। इससे छोटे छोटे टुकड़े काट लेना है। सारे टुकड़े काट ली हूँ। अभी तो हम पेस्ट बनाएंगे। अब पेस्ट बनाते समय 1 से 2 चम्मच पानी की जरूरत पड़ता है, तभी अच्छे से पेस्ट बनता है। ये आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मतलब स्मूथ पेस्ट बना है। अगर कहीं गुठली दिखाई दे तो आप निकाल दें ताकि पूरी बेलते समय सुविधा हो। एकदम 200 ग्राम आटा लिए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा अजवाइन, इसको हम थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे ताकि इससे स्वाद भी अच्छा आता है करके डालने से। और थोड़ी सी लाल मिर्ची कुटी हुई, आप चाहे तो लाल मिर्ची ना हो तो लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं इस तरह से। इसमें हम थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम। उसको अच्छे से हम पहले मिला लेंगे। अब जो भाई अच्छे से मिल गए हैं, अब हम थोड़ा जो कद्दू पीस कर रखे थे वो हम डालेंगे। थोड़ा सा डाल कर ही हम सानेंगे, और कम लगेगा तो उस पर से और हम डाल लेंगे। जैसे हम थोड़ा सा डालेंगे, जैसे पानी में पहले डाल पानी सॉरी पानी डाल के पहले से पेस्ट बना ली थी, इसलिए इसमें पानी की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और लगेगा, इसमें डाल लेती हूँ। और आटा को कड़ा ही सानना है। आप देख सकते हैं आटा को मैंने अच्छे से कड़ा सान ली हूँ पूरी के लिए। और इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे इधर। अब इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दी थी। अब इसको फिर से मैं अच्छे से मसल लूँगी ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए आटा। और जो कद्दू बच गया था वो मैं बाद में जब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो उसमें यूज़ कर लूँगी उसको। अब इसे थोड़ा सा हम रिफाइन हो लेंगे ताकि जब हम आटे को लोइया बनाएं पूरे के लिए वो हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे इसका, पूरी के साइज़ के छोटे छोटे हम टुकड़े काट लेंगे। और उसको छोटे छोटे लोइया बना लेंगे हम। आप देख सकते हैं छोटे छोटे लोइया में बना ली हूँ। अब पूरी बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा रिफाइन हो लेंगे ताकि पूरे चिपके नहीं बेलते समय। अब पूरी थोड़ा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है ताकि पूरी अच्छे से फूल सके। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बेला गया है। थोड़ा मोटा ही बेली हूँ, पतला नहीं बेली हूँ मैं। इधर तेल गर्म हो गया है और तेल को अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि तभी तो पूरी अच्छे से फूलता है। अब आप देख सकते हैं पूरी कितना अच्छे से फूलने लगा है। ये तेल अच्छा गर्म होने से पूरी अपने से फूलने लगता है और कितना अच्छा भी दिख रहा है पूरी। इसी तरह से हम बाकी पूरी भी छान लेंगे। इधर पूरे छना गए हैं। अब देख सकते हैं कितना से पूरे खिला खिला हुआ है, कितना से फूला फूला सॉरी फूला हुआ पूरी छना है। अब आप उसको चटनी के साथ हो चाहे कोई भी सब्जी हो उसके साथ आप खा, आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने आलू और पटल की सब्जी बनाई थी, इसे बहुत ही टेस्टी होता है पूरी मसाले वाली पूरी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। Thank you.